दोस्तों स्वागत है आपका चुका मैन ईटिंग टाइगर के वीडियो के पार्ट टू में। दोस्तों इससे पहले हमने चुका मैन ईटिंग टाइगर के बारे में बताया था कि ये कैसे एक टाइगर से मैन ईटिंग टाइगर बन गया, कैसे इसने अपने जीवन में सबसे पहले इंसान को मारा था और उसको आधा खा गया था। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे चुका मैन ईटिंग टाइगर का अंत हुआ, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन करें। दोस्तों चुका मैन ईटर टाइगर एक आदमखोर बाघ बन गया था, जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे। अप्रैल 1937 में कॉर्बेट ने कुमायूं के उपायुक्त इवोटसन के साथ आदमखोर का शिकार करने के लिए निकल पड़े। आदमखोर बाघ का शिकार करने के लिए टनकपुर से 6 युवा नर भैंसों को खरीद कर ठाक गांव के पास अलग अलग जगह पर चारा के रूप में बांध दिया गया, ताकि आदमखोर बाघ का शिकार किया जा सके। अगले 4 दिनों में कॉर्बेट और रिवॉर्डसन चारे के पास बैठे रहे। 5वें दिन जंगल के किनारे पर बंदी भैंस को बाघ ले गया। कॉर्बेट ने पास के एक दीवार में आदमखोर बाघ के पंजे का निशान पाया और इसके बाद ये बात सामने आई कि ये एक बड़ा नर बाघ है। और जांच पड़ताल करने के बाद ये मालूम पड़ा कि इस बाघ का एक दांत टूटा हुआ है। कॉर्बेट उस रात बाघ को मारने के लिए बड़े जामुन के पेड़ पर बैठ गए, परंतु वो उस बाघ को मारने में कामयाब नहीं रहे। कुछ दिनों बाद सुवरगढ़ घाटी के निचले सिरे पर बंदी एक भैंस को ले जाया गया। जैसे ही कॉर्बेट घाटी के पास पहुंचे, उन्होंने बाघ के गुर्राने की आवाज सुनी। वो तुरंत ही घाटी को छोड़कर खुले मैदान में चले गए। इनमें से एक आदमी ने बाघ को बगल की पहाड़ी पर देखा। कॉर्बेट ने बाघ पर गोली भी चलाई, लेकिन वो बाघ फिर से बचकर निकल गया, बस गर्दन के थोड़े से बाल उड़ गए। बाघ का शिकार करने के लिए एक और भैंस को लाया गया और भैंस को जंगल के किनारे बांध दिया गया। वहीं बाघ भैंस को मारकर भैंस को लादे घाटी में ले गया। कॉर्बेट ने बाघ को मारने के लिए करीब के अंजीर के पेड़ को चुना था। आदमखोर बाघ उस भैंस को मारने के बाद उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चला गया, जहाँ कॉर्बेट उस बाघ का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो बाघ पेड़ के पास आया, कॉर्बेट ने उसे पहली गोली मारी जिससे उसकी कमर टूट गई। जैसे ही वो नीचे की ओर खिसका, कॉर्बेट ने उसके सीने में एक और गोली मार दी जिससे वो बाघ उसी समय मर गया। इस प्रकार से चुका का मैन ईटर टाइगर का दी एंड हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो कैसी लगी, और इन फ्यूचर आपको अगर ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ, आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।